गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको द्विघात समीकरण मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये बताते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स ऐसे बहुपद जिनकी मैक्सिमम और मिनिमम यानी सबसे अधिक और या सबसे कम घात दो होनी चाहिए। सबसे कम अगर घात दो है तो वो द्विघात समीकरण होगा। सबसे अधिक दो ही घात होनी चाहिए, वही इक्वेशंस द्विघात समीकरण कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, ये द्विघात समीकरण है। पद उसमें नहीं देखे जाते हैं, द्विघात समीकरण में केवल मैक्सिमम घात देखी जाती है कि अगर उस बहुपद की घात दो है तो वो द्विघात समीकरण है, इसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं देखा जाता है। सबसे मैक्सिमम घात यहाँ पर ये घात जो है ये घात देखी जाती है ये द्विघात समीकरण की, कि सबसे अधिक घात यदि लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो पद तो इसमें चार हैं लेकिन सबसे अधिकतम घात जो इसकी तीन है, तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण का मतलब बहुपद की सबसे अधिक घात दो होनी चाहिए, उसके पदों से इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए कई तरीके होते हैं। इसके तीन विधियों द्वारा हल किया जाता है। एक तो होता है सबसे पहले गुणनखंड विधि से। सबसे पहली विधि है द्विघात समीकरण हल करने की विधि। सबसे पहली आती है गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर, द्विघात समीकरण, और तीसरी विधि आती है सूत्र द्वारा, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। ये इसकी तीन विधियां होती हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा, पहली विधि आती है गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि में क्या देखा जाता है, अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो इसमें पहले पद ये असेंडिंग ऑर्डर इसकी घातों से देखा जाएगा कि ये अवरोही क्रम में होनी चाहिए। यदि ये अवरोही क्रम में है, सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर सबसे कम घात, अगर इस क्रम में रखा हुआ है सबसे पहले जिसकी घात दो है पद की, फिर एक है और फिर जीरो घातें हैं, ऐसे पदों को देखा जाता है। ये अचर पद है, यहाँ पर चर पद है साथ में, तो ये चर पद माना जाएगा और ये भी चर पद है। इसकी घात दो है, इसकी एक घात है और यहाँ पर कोई चर पद नहीं है, इसलिए इसकी घात जीरो मानी जाती है। तो ऐसे पदों में पहले पद का जो आंकिक नंबर है यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर प्लस का छः लिखा हुआ है, इन दोनों का गुणा करते हैं तो छः आता है। अब यहाँ पर बीच में जो ये फाइव लिखा हुआ है, पाँच लिखा हुआ है, इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर पाँच आना चाहिए, और अगर उनका गुणा किया जाता है तो इस गुणांक के बराबर आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड होंगे तीन प्लस दो एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो।
अब इससे पहले ये चर पद से अंदर गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से और इसमें ये पहले दो पदों में से जो कॉमन मिल रहा है उसको लिया जाएगा, जो उभयनिष्ठ है इसमें x है x प्लस थ्री प्लस जो साइन यहाँ पर होता है साइन वही कॉमन जाएगा और यहाँ पर आंकिक नंबर दो कॉमन मिल रहा है ये बच रहा है x प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अब दो पद हैं एक ये और ये, इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है x प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। अब वैल्यू निकालते हैं x की तो x प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस टू। एक्स की वैल्यू दो हो जाती है माइनस थ्री और माइनस टू, ये इसके सॉल्यूशन हैं।